आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पंजाब की तब्दीली सरकार चंद माह में ही अंदरूनी इख्तलाफात से दो चार है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की गुज़िश्ता शब मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंज़र आम पर आ गई है। काफ लीग के तहफ़ुज़ात बरकरार हैं। वज़ीर आला का मामला इमरान खान के पास ले जाने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, काफ लीग के तहफ़ुज़ात की बात की जाए तो वो तहाल बरकरार दिखाई दे रहे हैं, तो जो मामला है वो तो मज़ीद ख़राब होता दिखाई दे रहा है। लियाकत से राबता करने की भी कोशिश की जाएगी। अभी आपको बताएं कि पंजाब की तब्दीली सरकार चंद माह में ही अंदरूनी इख्तलाफात से दो चार हो गई। वज़ीर आला और परवेज़ इलाही की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। काफ लीग के तहफ़ुज़ात तहाल बरकरार, जबकि वज़ीर आला की जानिब से ये मामला इमरान खान के पास ले जाने का फैसला भी किया गया है। तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा, मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आज बिल्कुल गुज़श्ता शाम जो वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी वो कारगर साबित नहीं हो सकी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं मना सके। चौधरी परवेज़ इलाही शदीद खफा है। उनका कहना है कि उनके साथ मरकज़ और पंजाब में जो दो दो वज़ारत देने के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और जो उनके वज़रा हैं उनको इख्तियार हासिल नहीं है बल्कि उनके काम में बेजा मुदाखलत की जा रही है। इसलिए अब वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले से लाइल इज़हार किया है कि उनके साथ दो दो वज़ारतों के जो वादे हुए थे उस पर ऑन बोर्ड नहीं है। तहम इसलिए अब फैसला ये किया गया कि मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के पास उठाया जाएगा और वहीं पर ये मामला को जो है वो हल किया जाएगा। शुक्रिया लियाकत अंसारी।